हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले एक अपकमिंग आईपीओ की, जो आईपीओ आने वाला है, जो आईपीओ 21 जून से लेकर 25 जून तक ओपन रहने वाला है। जिस आईपीओ में हम बात करने, वो आईपीओ है स्टैनली लाइफस्टाइल आईपीओ, जिस पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका आईपीओ आ रहा है, जिसको हम लोग आईपीओ के बारे में जानेंगे। तो इन पहले जान लेते हैं आईपीओ के बारे में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैनली लाइफस्टाइल आईपीओ का, जीएमपी रेट क्या चल रहा है, कंपनी की डिटेल्स क्या हैं, फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स क्या हैं कंपनी के, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आईपीओ डिटेल के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ का प्राइस वगैरह क्या होने वाला है, और उसके बाद हमें अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना। हम इन पांच टॉपिक में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो लोग चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी पूरी वीडियो आने वाले समय में आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्टैनली लाइफस्टाइल आईपीओ के बारे में। देखिए, एक लाइफस्टाइल से लोगों को लगता होगा कि ये लाइफस्टाइल कपड़े का कोई ब्रांड होगा, ऐसा नहीं है, ये फर्नीचर का ब्रांड है। लाइफस्टाइल फर्नीचर की कंपनी बनाती क्या है, फर्नीचर बनाती है। कंपनी जो है 17 साल पुरानी कंपनी है भारत में, मार्केट में चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी। हालांकि जो इसके पीयर कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है मार्केट में, बट ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। इनको बहुत स्ट्रांग एक्सपीरियंस है, जो कि ये कंपनी बनाती क्या है कि सिटिंग के लिए ये अपना सोफा बेड, डाइनिंग चेयर, बार स्टूल, कसिनो के सेटअप को रेडी कराती है। और बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड है, जो कि बहुत ही हाईली और ओवर प्राइजेस पे होते हैं, जो कि टीयर टू टीयर थ्री सिटीज पे नहीं होते। यामन के सोफे 50,000, 1,00,000, बेड 2,00,000, 3,00,000, ऐसे इनके सोफे होते हैं। बट अगर इसके बात करें केस गुड्स में, अगर हम बात करें तो इनका कॉफ़ी टेबल, डाइनिंग टेबल, टेबल ऐसे सेटअप को भी ये तैयार करते हैं। साथ में किचन एंड कैबिनेट्स के अंदर भी हैं, किचन का सेटअप, किचन को डिज़ाइन करना, किचन को तैयार करना, उसके ऊपर भी ये काम करते हैं। उसके साथ ही मैट्रेस एंड बेड्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि बहुत बड़े स्केल पे इनका काम है बेड्स और मैट्रेस के ऊपर। तो और इसके गाड़ियों के सीट रिक्लाइन लेदर्स में भी काम करते हैं। तो कंपनी बहुत छोटे से स्टार्ट होके पिछले 10 साल तक कंपनी फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, इनका प्रमोटर बहुत एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट सीएफओ भी अच्छे हैं। तो अगर देखा जाए तो कंपनी के ओवरऑल चीज़ें देखी जाती हैं तो मैनेजमेंट प्रोडक्ट कैसा है। तो अपने मार्केट में, अपने सेक्टर में दिग्गज कंपनी है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कंपनी के लिए अपने आप में चीज़ें सही हैं, इनका ब्रांड सही है। बट अक्सर क्या देखा जाता है कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें इंक्लूड अब होना शुरू हो गई है। तो अगर हम थोड़ा सा और इसके बात करें तो जो ये कंपनी है, जो इसके स्टोर के बात करेंगे, अपने 62 स्टोर हैं भारत में, 62 स्टोर हैं, जिसमें से 38 स्टोर कंपनी खुद ओन करती है और 24 स्टोर जो फ्रेंचाइजी के माध्यम से प्रोडक्ट और कमीशन के बेस पे अपना बिजनेस करते हैं इंडिया में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स इनके अपने हैं। तो 62 स्टोर हैं आने वाले टाइम में, ये इस आईपीओ पर और भी एक स्टोर ओपन करने वाले हैं। इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस है जो आता है, वो है साउथ से, 60-70% बिजनेस इनका साउथ से आता है। अभी नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंशन कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें और भी होने वाली हैं। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो अभी जो इसका जो जीएमपी चल रहा है स्टैनली लाइफस्टाइल का, देख लेते हैं। तकरीबन अभी इनका जो जीएमपी चल रहा है लाइफस्टाइल का 46% के आसपास चल रहा है, जो कि जीएमपी को आप एक अनुमान मान सकते हैं, जीएमपी को आप कंफर्म नहीं मान सकते कि ये जो जीएमपी चल रहा है ये आपको कंफर्म आप इसको नहीं मान सकते, क्योंकि एक अनुमान है। बट मोटा मोटा अंदाज़ा लग सकता है कि अगर हम 360 रुपये, 370 रुपये का आईपीओ हमें अगर मिल रहा है, तो उस पर अगर हम 540 रुपये, 530 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की उम्मीद है। ये जो आपको मैं अपडेट बता रहा हूँ 23 तारीख के आसपास के हिसाब से, तो ये आपका जो जीएमपी चल रहा है, तो ये होगा जीएमपी का। अगर हम कंपनी डिटेल्स के बात जाएँ, कंपनी के फंडामेंटल की बात जाएँ, तो आइए आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कंपनी की हम बात करें, कंपनी के फाइनेंशियल की बात कर ली हमने, कंपनी क्या काम करती है इसकी बात कर ली हमने, इसके जीएमपी की बात कर ली, ठीक है। और
इसी के साथ में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब पहले जान लेते हैं हम लोग कंपनी के आईपीओ डिटेल के बारे में। ठीक है, कंपनी का जो आईपीओ का है, आईपीओ जो कंपनी का 21 तारीख को ओपन हो रहा है और 25 तारीख को बंद हो जाएगा। जैसा कि ₹2 फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड 391 रुपये से 370 रुपये के बीच का है। एक लॉट में 40 शेयर आने वाले हैं। ठीक है, और जो कंपनी का NSE बेसिस दोनों कंपनी लिस्ट हो रही है और उसके साथ में ही ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आप ओपन डेट 21 जून को है और क्लोज डेट है 25 जून को और अलॉटमेंट है जो 26 जून को हो जाएगा, जिन लोगों को अगर अलॉटमेंट में शेयर नहीं मिलेंगे तो उनका पैसा रिफंड होने की जो डेट है 27 जून को है, और क्रेडिट ऑफ शेयर जो डीमैट में होंगे वो 27 जून को हो जाएंगे और लिस्टिंग जो डेट है 28 जून को लिस्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से इसका प्रॉपर शेड्यूल है, टेंटेटिव शेड्यूल है, जिस हिसाब से ये आपको लिस्टिंग के लिए होगा। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात कर लें तो इनका फाइनेंशियल ट्रेंड, अगर एसेट्स की हम सबसे पहले बात करें तो 31 मार्च 2021 को 346 करोड़ रुपए इनका एसेट्स होती थी। उसके बाद 31 मार्च 2022 को 21 के बाद 22 में 422 करोड़ होता है और उस पर 23 में जो होता है 458 करोड़ रुपए हो जाता है 31 मार्च को। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो रेवेन्यू में भी 201 करोड़ रुपये 2021 में था और 2022 में 297 करोड़ होता है और फिर 23 में 425 करोड़, मतलब कि ओवरऑल रेवेन्यू डबल हो गया। जहां प्रॉफिट अगर हम यहीं बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं जो आपसे, तो तकरीबन 2 करोड़ रुपये के आसपास इनका प्रॉफिट था 2021 में। 2022 में जो प्रॉफिट हुआ 23 करोड़ का हुआ और 2023 में 34 करोड़ का प्रॉफिट, 35 करोड़ प्रॉफिट मान के चलो, 34.98 करोड़ का। ठीक है, क्योंकि टोटल अगर नेटवर्थ की बात करो 182 करोड़ रुपये 2021 में थी और मार्च में 2022 में 199 करोड़ की नेटवर्थ हो गई और अब 31 मार्च 2023 को 216 करोड़ रुपये। तो ये इनके नेटवर्थ हो गए, इसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखा है। और अगर इनके रिजर्व और सरप्लस कैश इन हैंड अगर देखा जाए तो इनके पास 174 करोड़ रुपये 2021 में इनके पास कैश था, जो सरप्लस रिजर्व है, और 31 करोड़ रुपये जो है इन 191 करोड़ रुपये जो है 31 मार्च 2022 को, और रिजर्व सरप्लस 207 करोड़ रुपये 31 मार्च 2023 को। और उसके साथ ही देखा जाए 225 करोड़ रुपये जो हो गए आपका 31 मार्च 2023 के हिसाब से 225 करोड़ रुपये इनके पास सरप्लस है। हालांकि इनके पास 35 करोड़ रुपये का कर्ज भी है, साल दर साल कर्ज भी बढ़ा है। अगर पिछले 4 साल में देखा जाए तो 25 लाख रुपये से कर्ज होते थे, अभी 30 करोड़ रुपये इस कंपनी पर अपना कर्ज भी है। ये कंपनी है लेकिन कर्ज ना के बराबर है कंपनी, 30 करोड़ रुपये इतना ज़्यादा नहीं होता, कंपनी इजीली मैनेज कर लेती इस प्रकार की चीज़ों को। बट अगर उनके कंपनी के प्रोडक्ट और बिजनेस को देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत कम अपने आप में एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं, साथ में इनका जो बिजनेस भी बहुत अच्छा है, जो कि आने वाले टाइम में लोग घरों पे बहुत ही ज़्यादा सोफा को अभी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ को भी ये टारगेट करना शुरू करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लोग इन चीज़ों को काफ़ी घर को मेंटेन करने में काफ़ी फोकस करते हैं। नए होटल्स ओपन होना, नए रेस्टोरेंट ओपन होना और नए नए घर बिजनेस के लिए सेटअप तैयार होना, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई तो इनका बिजनेस भी भारत में बढ़ेगा। तो ये आईपीओ है जिसके बारे में इनका जो ये आईपीओ आ रहा है, जो कि स्टैनली का आईपीओ है। और तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी अच्छे हैं, कंपनी का प्रमोटर्स भी अच्छे हैं, इनका प्रोडक्ट बेस भी अच्छा है और आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छे से काम भी करेगी और जिस हिसाब से इनका बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आने वाले टाइम में ये और भी प्रॉफिटेबल होंगे और भी बिजनेस इनका एक्सपेंड और इम्प्रूव होगा। तो ओवरऑल आईपीओ इनका अच्छा है, अगर फाइनेंशियल बिजनेस प्रोडक्ट सबके बेस देखा जाए तो आईपीओ अच्छा है। और इसके आईपीओ के बारे में GMP के हिसाब से आईपीओ बहुत अच्छा चल रहा, अप्लाई किया जा सकता है, देखा जा सकता है दोस्तों। तो ये इस आईपीओ के बारे में है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।